कुछ वर्षों पूर्व यदि बॉलीवुड से कोई भी बोलता कि देश का कोई अन्य फिल्म उद्योगों से टक्कर भी दे सकता है तो बॉलीवुड स्पष्ट कहता क्या बात कर रहे हैं। परंतु आज के दिन बॉलीवुड की अवस्था ऐसी हो चुकी है कि वह अब ना घर की रही ना घाट की, और शीघ्र ही भारतीय सिनेमा की परिभाषा सदैव के लिए बदलने को तैयार है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे बहुभाषीय सिनेमा का अनोखा मॉडल बॉलीवुड की अकड़ को मिट्टी में मिलाने को तैयार है और कैसे ये बॉलीवुड के लिए एक अंतिम चेतावनी के समान है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बॉलीवुड को अब एक कट्टर प्रतिद्वंदी मिल चुका है। वह अधिक विशाल है, भीमकाय है, उसकी हुंकार चारों ओर सुनाई दे रही है। ये अपने हिंदी भाषी प्रतिद्वंदी से अधिक रुपए और समृद्धि कमाता है, जो कभी अपने नृत्य और अपने वैभव के लिए विश्व प्रसिद्ध था। जब मीडिया और मनोरंजन उद्योग $24 बिलियन से बढ़कर 2024 में $30 बिलियन के विशाल मार्केट में परिवर्तित होने को तैयार हो, तो ऐसे में इस विश्लेषण का अपना अलग महत्व हो जाता है। परंतु ऐसा क्यों है? क्योंकि इस वर्ष के सबसे सफलतम फिल्मों में से एक भी फिल्म मूल रूप से हिंदी आधारित नहीं है। चाहे वह तेलुगु भाषी RRR हो, कन्नड़ा भाषी KGF Chapter 2 हो, तमिल भाषी विक्रम हो इत्यादि, ये उद्योग अब बस बढ़ता ही जा रहा है। ये भी ठीक है। वहीं अगर भूल भुलैया 2 को छोड़ दें तो एक भी बॉलीवुड फिल्म ऐसी नहीं है जिसने 150 करोड़ भी बॉक्स ऑफिस पर पार किए होंगे। अधिकतम फिल्में औंधे मुंह भारतीय और बॉक्स ऑफिस पर गिरी है, जिसमें से जर्सी और रनवे 34 जैसी कुछ अच्छी फिल्मों को भी घुन की भांति पिसना पड़ा। परंतु यही बातें उन फिल्मों पर भी लागू होती है जो जनता को बहुभाषीय के नाम पर परोसी गई परंतु बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह पिटी, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती भैया। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें यह प्रतीत होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मनोरंजन के नाम पर केवल कबाड़ ही मिलेगा? देखो भाई, संसार ना केवल KGF और पुष्पा तक ही सीमित नहीं है। अब बहुभाषीय सिनेमा वो उद्योग बन रहा है जहां कैसे भी दर्शक हो, कैसे भी लोग हो, सबके लिए कुछ ना कुछ उपलब्ध मिलेगा। आपको लार्जर देन लाइफ मसाला चाहिए, KGF और पुष्पा मिलेगा। आपको यथार्थ चाहिए तो मेजर भी मिल सकता है। आपको पारिवारिक फिल्म चाहिए तो 777 Charlie मिलेगा। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म इसी मॉडल की उपज है, क्योंकि इसके निर्माता अभिषेक अग्रवाल तेलुगु उद्योग में भी ऐसे ही छोटे परंतु सफलतम कथाओं से परिपूर्ण फिल्मों के सफल निर्माता हैं, जिसमें से एक गुड़ाचारी भी है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब इस क्षेत्र में स्वयं R Madhavan जैसे अभिनेता रॉकेटरी जैसी फिल्म लेकर उतरे हैं, जिससे एक संदेश बॉलीवुड को स्पष्ट जाता है, परिश्रम करेंगे तो ही फल मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा, और यही संसार की रीति है।